कि इंसान को ये समझ में आ जाए कि उसने क्या करना है। और अभी आप लोगों की जो एज है ना, ये एक्सप्लोरेशन की एज है। लोग अमेजोन सीखते हैं वो चल पड़ते हैं, मैंने अमेजोन सीखा नहीं चल रहा। लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं वो चल पड़ते हैं, मैंने किया नहीं चल रहा। ये है वो अल्लाह का जो मैं कहता हूँ ना यूनिवर्सल फ्लो, ये जो मेरा चल रहा है ना इसी से मैं कुछ बनाऊंगा। जब आप अपने आप को श्रेड करेंगे ना इस बात के ऊपर और फोकस करेंगे भाई अब मैंने ये वाले काम नहीं करने जिंदगी के अंदर, बस इस रास्ते को मैंने पकड़ना है, ये मुझे आगे लेके जाएगा। और इल्म ये भी तो है ना कि इंसान को ये समझ में आ जाए कि उसने क्या करना है, उसके लिए क्या करना ठीक है और किस तरह करना ठीक है, ये सवालों के जवाब इंसान को मिल जाए, ये बहुत बड़ा इल्म है इंसान का। दूसरा इल्म कौन सा पता है? दूसरा इल्म ये है कि उसी मसले में इंसान को पता चल जाए कि उसने क्या कुछ नहीं करना, तो करना कैसे करना, क्यों करना, कहाँ करना, ये इल्म होना, इसको हम कहते हैं ना 3 W's, व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ। एक ये है और एक है इसका वाइस वर्सा, व्हाट इज नॉट, हाउ इज नॉट एंड वेयर इज नॉट। ये नॉट वाला जो है ना कि आपको ये भी पता होना चाहिए और ये सारे काम नहीं करने। गाड़ी चलाना इंसान को आनी चाहिए, पता होना चाहिए एक्सीलेटर से क्या होता है, क्लच से क्या होता है, जब पैनिक होना तो एक्सीलेटर नहीं दबाना, ब्रेक दबाना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए इंसान को कि आपने क्या क्या नहीं करना। जब आप ये करेंगे तो आपकी गाड़ी गाड़ी हो, ज़िंदगी हो, मामलात हो, वो सुकून के अंदर आ जाएगी। और अभी आप लोगों की जो एज है ना, ये एक्सप्लोरेशन की एज है, आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5 वेन्यूज़ को, एवेन्यूज़ को पढ़ के भी देख रहे हैं क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी स्किल देख ली है, कभी ऑनलाइन पे चलते हैं, कभी फिजिकल में, कभी इधर जा रहे हैं, कभी पिंग पोंग की बॉल बैठी है मेरे सामने बहुत सारी। तो अभी आप लोगों की एज एक्सप्लोर कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि हमने ये काम जो है ना करने हैं, कैसे करने हैं समझ में आ जाए। और फिर इसी के अंदर जो अगला जो आपका इल्म या आपका जो फेस है वो इस बात के ऊपर है, भाई ये काम मैंने अब नहीं करने, चला नहीं ना मेरी जिंदगी में। लोग अमेजोन सीखते हैं वो चल पड़ते हैं, मैंने अमेजोन सीखा नहीं चल रहा। लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं वो चल पड़ते हैं, मैंने किया नहीं चल रहा। लोग जो है ना फाइवर पे प्रोफाइल बनाते हैं, गिग बनाते हैं, उनको जो है ना वो ऑर्डर्स लग जाते हैं, मैं गिग बना के हर तरीके से पूरी मैथमेटिक्स कर दी है, मछली नहीं आ रही। अपवर्क के ऊपर मैंने पूरा अपना जो है ना वो लगा के काम पूरा जो है मैंने जबरदस्त शोकेस बना के किया है, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा मेरे पास, मैं बिट पे बिट करके परेशान हो गया हूँ, 6 महीने से कंटिन्यूस लगा हुआ हूँ लेकिन आ ही नहीं रहा कुछ। एक वो दौर है कि जहाँ पे आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है कि भाई मेरा क्या क्या चल रहा है। अच्छा ऑनलाइन पे नहीं हुआ, ऑन साइट पे चल गया, तो ये कम से कम नोट कर लेना इस बात को कि मेरा क्या चला, मेरा क्या नहीं चला जिंदगी के। ये है वो अल्लाह का जो मैं कहता हूँ ना यूनिवर्सल फ्लो को समझना, और ये हर इंसान का मुख्तलिफ होता है। अब एक इंसान ने कुरान खोला उसके कुरान पढ़ा जा रहा है, अब वही इंसान जो है हदीस खोल रहा है उसे नहीं पढ़ा जा रहा, समझ ही नहीं आ रही उसको बात। तो जिंदगी में पहले ये देखें कि क्या कहाँ मैं चल पड़ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मेरा ना फ्लो जो है ना वो गो विद द फ्लो है मेरा, मैं रिलैक्स हूँ यहाँ पे, आसानी से हो जाती है एक चीज़। और फिर इसी का ही वाइस वर्सा कन्वर्सली इस चीज़ को भी निकालें, भाई ये नहीं चल रहा मेरी जिंदगी के अंदर। और फिर अगला जो इसका फेज़ है ना, जो थर्ड जो एलिमेंट है, वो ये है इस बात के ऊपर कि भाई बात ये है कि अब मैंने श्रेड करना है, अपने आप को फोकस करना है कि जो मेरा चल रहा है ना इसी से मैं कुछ बनाऊंगा। इसको इस तरह समझें कि आपने पॉइंट ए पे है, आपने पॉइंट बी पे जाना है, रास्ते 10 हैं। अब एक गली ट्राई की आपने, वो नहीं जा रही, दूसरी गली ट्राई की नहीं जा रही, तीसरी गली ट्राई की नहीं जा रही, और रास्ते आपने 2 गलियां ऐसी भी जब जाके देखा ना तो वो आगे तक जा रही थी। जब आप अपने आप को श्रेड करेंगे ना इस बात के ऊपर और फोकस करेंगे भाई अब मैंने ये वाले काम नहीं करने जिंदगी के अंदर, बस इस रास्ते को मैंने पकड़ना है, ये मुझे आगे लेके जाएगा। क्योंकि अपनी कंसिस्टेंसी भी तो बनानी है ना आपने, अपने वो कामयाबी के जो अल्लाह ताला ने पैटर्न्स रखे हैं, जो मैं एलोगरिदम कह रहा हूँ, जो डिवाइन एलोगरिदम्स हैं, उसको भी तो अनलॉक करना है ना आपने। तो वो तो आगे जाके ही पता चलेगा कि वो किस तरीके से होता है इंसान को। और 10 किस्म की मैनेजमेंट, अपनी पर्सनल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर इंटरनल जो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट है, होप, फियर, लव, एंगर, ये इनकी मैनेजमेंट, EQs, IQs की मैनेजमेंट। और उसके बाद जब आप आगे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत से लोगों को पीछे छोड़ देंगे। अब आप आगे हैं, आपके पास लीड है, अब वो जिस चीज से भी लीड आई है वो लीड आई है भाई आपके पास, उसको छोड़ना नहीं है जिंदगी के अंदर, ये पॉइंट है। और अक्सर लोग ना हमारे ये काम नहीं कर रहे होते क्योंकि वो उस चीज को समझ ही नहीं रहे, अनलॉक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मुझे वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ। वो चाहत क्या है, वो 4 गलियां हैं वो वाली जिन पे बैरियर्स लगे हुए और हम आगे नहीं जा सकते। और ऐसे में उन्होंने क्या किया, जिंदगियों को फंसा के रखा हुआ है अपने। और जिन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर उस एलोगरिदम, जिसको जो मैं डिवाइन एलोगरिदम कहता हूँ, उसको अनलॉक कर लिया और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करके प्रोसीड करके वो पहुंच गए ना आगे, अब उनके पास सारे डायनामिक्स हैं, अब उनको पता है किस तरह होता है। कल को ना वो इधर से नहीं गए थे ना, उधर से घूम के उन्हीं गलियों में वापस आ जाएंगे।